कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों पर भारत में हंगामा मचा हुआ है। गुरुवार यानी कि 16 मार्च को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बगल बैठे जयराम रमेश ने उन्हें समझाया तो बीजेपी ने तंज कसते हुए सवाल किया कि आप कब तक उन्हें सिखाते रहेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरे के बाद गुरुवार को संसद की कार्यवाही में शामिल हुए थे। इसके बाद अपने ऊपर मचे हंगामे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश लाइव राहुल गांधी को कुछ समझाने लगे, जिसे लेकर बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं और जैसा कि चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर संसद में आरोप लगाए हैं, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मुझे बोलने का मौका मिले। राहुल गांधी के दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं कहने पर बगल में बैठे जयराम रमेश ने उन्हें सही करने की कोशिश की और कहा कि वह बीजेपी आपका मजाक बनाएंगे, इसे कहिए दुर्भाग्य से आपके लिए। इसके बाद राहुल गांधी ने यह बात दोहराई। वैसे तो जयराम रमेश ने यह बात धीमी आवाज में कही थी, लेकिन उस समय माइक ऑन थे और यह साफ साफ सुनाई दे गया। कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की यह क्लिप वायरल हो गई। वीडियो पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने निशाना साधते हुए आखिर कितना और सिखाओ के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी को दोष मत दीजिए, गलती जयराम रमेश की है। जयराम रमेश को राहुल गांधी के साथ क्लास दो के बच्चे की तरह व्यवहार क्यों करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एक मिनट प्लीज। सी आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, अनफॉर्चुनेटली फॉर यू आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज द एलिगेशन हैज बीन मेड इन पार्लियामेंट